सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो भी खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में भी हम देखने वाले हैं इसराइल देश में बर्फ कैसे पड़ता है, गिरती है, इसके बारे में मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये तो आपको पता है ये कौन सा देश है। अगर नहीं पता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये इसराइल देश है। यहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, बर्फ नज़र आता है, जिधर देखो बर्फ। इधर भी लोग जाते हैं और आते हैं, जाना आना करते हैं, क्योंकि इधर का लोग जो रहते हैं, जो भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, उन्होंने अपना काम बंद नहीं करते हैं। इसलिए सर्द हो या जितने भी ठंड हो, वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं, अपना काम करना नहीं छोड़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये देखिए बहुत सारे लोग इधर हैं। ये स्नो हुए इसराइल, यहाँ का जो रास्ता है दोनों की ओर बर्फ ही बर्फ है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ इधर बर्फ़ क्यों है, रास्ते के ऊपर बर्फ़ क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी बस हो या कार जो भी जाता है, वो क्या होता है, सारे बर्फ़ को वो साफ कर देता है। इधर जो बस हो या कार हो या फिर ट्रंप हो, ये जो जा रहे हैं रास्ते के ऊपर, इसी के द्वारा क्या होता है, ये जो बर्फ है रास्ते के ऊपर का जो बर्फ है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये देखिए पूरी तरह से साफ हो गया है। मैं इस तरह का वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसराइल देश के बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। फेवरेट इसलिए क्योंकि इधर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए थे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान है, इसलिए मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये देखिए ये तो बर्फ है, लेकिन थोड़ा सा भी धूप नज़र नहीं आ रहा है, इसी के कारण ये जो बर्फ है वो मेल्ट नहीं हो रहा है। जो भी मेल्ट हुआ है थोड़ा सा भी, वो सब ज़मीन का जो तापमान है उसकी वजह से वो थोड़ा सा मेल्ट हुआ है। वो जो कार या बस जो जा रहा है आ रहा है, इसके लिए भी थोड़ा सा बर्फ जो है वो मेल्ट हो गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। यह हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान है। प्रभु यीशु मसीह किस लिए इस दुनिया को आए आपको पता है, फिर भी जिन लोगों ने नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह सारे जगत को उद्धार करने के लिए इस दुनिया को आए, अपना प्राण दिया, प्राण देकर अपनी जान देकर हमको बचाया, हमारे पापों से हमें आज़ाद किया। यह हमारा प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने
जान दिया क्रूस के ऊपर, लेकिन उसके बाद उनको कब्र दिया गया। कब्र देने के बाद 3 दिन के बाद उन्होंने फिर से मुर्दों में से जी उठा। ये सबसे बड़ा खासियत है प्रभु यीशु मसीह का। और दोबारा प्रभु यीशु मसीह आ रहे हम सबको साथ ले जाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया, उद्धार का काम किया, जो कि हम खुद नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, हमको उद्धार किया। और बलिदान देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद बलिदान हुए कालवरी क्रूस के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर मेरे लिए जान दिया, मुझे उद्धार किया, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। उनकी शहर, उनकी जो उनकी रिलेटेड जो जगह है इसराइल देश में, वही जगह को लेकर वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए, תאמין לי שגם הוא לא הבין אותו. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इस तरह का जगह को देख सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार हैं तो। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में, और अगला टॉपिक भी बहुत खास होने वाला है, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। सबको जय मसीह की।